श्री सीताराम दोस्तों, तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हो या डाइट में हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हो और ये बहुत ही यमी, टेस्टी और साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी है। तो आज मैंने बनाया है बेसन का चीला, जो कि बहुत यमी लगता है। और अगर आपको नहीं लगता तो आप इस रेसिपी को ट्राई करो और तब मुझे बताना कि आपको यमी लगा कि नहीं लगा। तो सबसे पहले हम लेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने एक कप के बराबर बेसन ले लिया है और अब हम इसकी सीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा हाफ इसमें हल्दी और 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी मिर्च और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है हिंग पाउडर, जो कि बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा करता है। तो हम इसे अच्छे से मिला देंगे और अब बारी आती है इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करने की। और आप एकदम से मत ऐड करिए, कहीं ये गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। तो इसका हमें थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है, मतलब थोड़ा ये जब आप चीला बनाएंगे तो उसके लिए ये थिक पेस्ट डलता है इसका। और इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा वाटरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका चीला नहीं बनेगा, सारा टूट जाएगा। और बहुत से लोग इसमें दही भी डालते हैं, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि दही से थोड़ा हैवी हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट चाहिए था और इससे ज़्यादा लाइट तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो ये आप देख सकते हो कि मेरा कितना अच्छा जो बैटर है वो बन के रेडी है। और अब हम इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए थे और ये हमारा बैटर जो कि बहुत फ्लफी बन के रेडी हुआ था। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू, और नींबू से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और नींबू आप हमेशा लास्ट में ऐड करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि ये कड़वा हो जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप जो जब भी नींबू ऐड करें किसी भी बैटर में तो वो लास्ट में ऐड करें। और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, मतलब ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा वाटरी है। और उसी के साथ हमने यहाँ पे थोड़ी वेजेस कट कर लिए, जैसे यहाँ पे कैरेट है, कैप्सिकम्स है, और आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हो। और यहाँ पर हमने साथ में अनियंस भी कट करके रखे हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा टेस्ट के लिए हरी मिर्च भी है और हरा धनिया भी है। आप चाहो तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हो या फिर आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने सिंपल ही रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे नॉनस्टिक का तवा लिया है और उसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप इसमें बटर या ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसमें देसी घी यूज़ किया है, जो कि बहुत यमी लगता है। घी का जब फ्लेवर आता है, वाह। और हाँ, इसे अच्छे से ग्रीस करना है आपको सबसे पहले। और बहुत सी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो बैटर है वो तवे में डालते ही साथ तवा पूरा बैटर ख़राब हो जाता है, बनता नहीं है। बट आप इस तरीके से डालेंगे ना तो इजीली बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा बैटर कितना स्मूथ बन के रेडी हो रहा है, ना फटे ना। और अगर बीच में से फट भी जाता है तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, आप इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के उसमें थोड़ा सा आप हिला देंगे तो वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा वो। और बस आपको इस प्रोसेस में पैनिक नहीं होना है, अगर आप पैनिक हो गए तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है ना, लिड लगा के आपको इसे ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होता है ना, ये थोड़ा स्टीम होके पक जाता है अच्छे से। तो आप देख सकते हो कि जो इसका बेस है वो पक तो गया है लेकिन अभी क्रंची नहीं हुआ है। तो क्रंची करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, घी, कुछ भी लगा सकते हो। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है केचप और साथ ही हमने लिया है मेयो, और इसमें आप अच्छे से मिला देंगे। और साथ ही हमने लिया है यहाँ पे चिली फ्लेक्स, और अगर आपको इसमें पिज्ज़ा वाला टच देना है तो आप इसमें ऑरेगानो भी मिला सकते हो, बट मुझे सिंपल चाहिए था तो मैंने बस इतना ही मिलाया फॉर द टेस्ट। तो उसके इसे हम अच्छे से मिला देंगे, पूरे चीला में हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि ये हर जगह इवनली लग जाए। तो अब बारी आती है इसमें वेजेस मिलाने की। तो यहाँ पर हमने लिया है प्याज डाला है और हम इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम डालेंगे, और कैप्सिकम डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कैरेट डालेंगे, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा धनिया और टेस्ट के लिए थोड़ा हरी मिर्च भी डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो या फिर चीज़ भी डाल सकते हो। अगर और भी कोई सब्जियां हैं, जैसे कि आप इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इस
जितने भी हमने वेजेस डाले ना, हम उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, मतलब अच्छे से जो हमारा सॉस है ना उसमें हम इसे मिला देंगे अच्छे से, ताकि जो हमारे वेजेस में भी जो सॉस है ना वो अच्छे से लग जाए, और जब हम इसकी एक बाइट खाएं तो बस मज़ा ही आ जाए। और सच में ये चीला बहुत ही यम्मी बन के रेडी होता है, और अगर आपने नहीं खाया तो आप ज़रूर बनाइए, ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर आप शाम के नाश्ते में बनाइए, ये दोनों टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, और जिससे कि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा क्रिस्पी हो गया था, जो कि खाने में बहुत मज़ा आता है क्रिस्पी। और अब बारी आती है हमें इसे सर्व करने की। तो सर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसमें मेरे को एक ही तरीका समझ में आ रहा था कि जो मैं रोल बना के इसका थोड़ा फैंसी वाला लुक दिखाऊं, और ये रोल बनाते समय मेरा हाथ इतना जल रहा था ना, मैं क्या बताऊं। आप ऐसे करोगे ना तो थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो आप लोग का भी हाथ जल जाएगा। तो अब बारी आती है इसे प्लेटिंग करने की। तो मैंने क्या किया है ना कि यहाँ पे सिंपली रोल कर दिया है और इसे बीच में से कट कर दिया है, जैसे स्प्रिंग रोल को हम कट करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही कट करना है, और ये बहुत ईजीली कट भी हो जाता है। और जो आप इसमें बिल्कुल भी मत घबराइए कि अंदर का जो फीलिंग है वो बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप आराम आराम से कट करोगे तो वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने प्लेटिंग कर दी थी, और पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे प्लेटिंग करूँ, और बिल्कुल ब्लैंक सा लग रहा था। तो मैंने ऊपर से वेजेस और जो भी अनियंस हैं वो काट के डाल दिया था, तो थोड़ा बेटर लग रहा था। और उसी के साथ हमने यहाँ पर गार्निश के लिए धनिया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सॉस ऐसे छिड़क दिया था, और ये इससे थोड़ा अच्छा लग रहा था मेरा प्लेटिंग। और आप लोग भी बताना कि आप लोग को कैसा लगा मेरा प्लेटिंग, और प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप अपने बच्चों को खिला सकते हो, लंच में पैक कर सकते हो, बहुत यमी बन के रेडी होता है सच में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक ले बाय।